अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? एक्चुअली मैं यहाँ पे बाहर आया हुआ था, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए इधर बैठ गया, तो अभी मैं जाऊँगा अपनी डॉर्मेट्री, उसके हवाले से जो है आज हमारी वीडियो होगी। होप्स हो कि आप लोग इंजॉय करेंगे और देखेंगे कि हम जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं चाइना के अंदर वो किस तरह के लाइफ गुजारते हैं। तो लेट्स मूव, और ये आपको ले चलते हैं वहाँ पे। सामने मेरा ये हॉस्टल है, ऊपर ये सब ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारी हॉस्टल की, और ये जो रास्ता है बहुत बहुत ही प्यारा रास्ता है, आप दिखाता हूँ आपको, ये देखें चेक करें। सो हम पहुँच गए इधर हमारी डॉर्मेट्री के सामने, बिल्कुल ये मेन गेट है डॉर्मेट्री का, और इसके सामने ही बिल्कुल हमारे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हलाल फूड आसानी से मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो चूँकि हमारी डॉर्मेट्री के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी कम्यूनिटीज़ हैं और फॉरनर्स भी हैं, लेकिन हमारे लिए चूँकि हलाल फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, तो हमें ये फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे। तो लेट्स गो इनसाइड द डॉर्मेट्री, तो आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे एंट्री होती है। अंदर चल रहे हैं, अभी देखते हैं कि हमारे साथ होता क्या है अंदर। तो ये अभी हम जो है यहाँ से निकालेंगे अपना स्टूडेंट कार्ड, इसको स्कैन करेंगे यहाँ पे, ताकि जो है हमारा जो डोर है वो ओपन हो जाए। ओके, इट्स ओपन, सो लेट्स गो इनसाइड। तो यहाँ पे हम आ गए लॉबी में, तो हियर यू कैन सी द लॉबी, हियर द 360 व्यू ऑफ द लॉबी। सो यहाँ पे ये रिसेप्शन है, यहाँ पे हमारी आई विराजमान होती हैं, तो वो आई मीन्स रिसेप्शनिस्ट हैं हमारी, तो बहुत ही अच्छी हैं, काइंड है। स्टूडेंट्स के जो दोस्त होते हैं वो यहाँ तक आना होते हैं, ठीक है, तो वो इससे आगे आपके रूम तक नहीं उनको अलाउ होता, क्योंकि यू नो इनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इस वजह से जो है ये स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अपने जो दोस्त अहबाब हैं आपके चाइनीज़ ख़ास तौर पर जो फ्रेंड्स हैं उनको यहाँ लॉबी तक ही रखें। अभी चलते हैं हम अपने रूम में, आपको दिखाता हूँ कि रूम हमारा कैसा है और किस तरह हमें अलाउ किया गया और किस तरह हम रह रहे हैं। दो रास्ते हैं ऊपर जाने के, मेरा जो रूम है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर है, ये लिफ्ट है और यहाँ पे पीछे सीढ़ियाँ भी हैं, तो कोशिश करते हैं कि लिफ्ट से चलते हैं, कि अगर लिफ्ट चल रही है तो लेट्स सी। थोड़ा अंधेरा है लेकिन देख लेते हैं, तो जैसे ही नीचे फर्स्ट पे आती है तो हम यहाँ से कूच करते हैं। ये देखें ये मछलियाँ हमारी प्यारी और अच्छी मछलियाँ, हाउ आर यू, ओके ये डर रही है। सो यहाँ पे अब चलते हैं, लिफ्ट आ गई है, हम लिफ्ट के अंदर आ गए, हियर वी गो, सो वी हैव टू गो इन द सेकंड फ्लोर। ये दोस्तों हम आ गए, अभी लिफ्ट से निकल आए हैं, हम दूसरे फ्लोर के ऊपर आ गए, तो ये आवाज़ करते हैं तो फिर ही ये ऑन होते हैं, ठीक है। तो हम अब अपने रूम में जाएंगे, हियर वी गो, This is 208, so let's move. ये हमारा रूम है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसकी एंट्री ऐसी है, ये कबर्ड है हमारी, लेट मी शो यू, ये मेरे कुछ फटे पुराने जो हैं शर्ट्स वगैरह वो थे ये, ओके। सो ये जो है हमारा वाशरूम, ज़्यादा नहीं दिखाते, बस थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। रूम के अंदर है, सामने जो है एक गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उनके लिए बैठने की जगह हमने बनाई हुई है, साथ में ये मेरा बेड है और साथ इधर जो है मेरे रूममेट का बेड है, और ये एक छोटी सी फ्रिज है, जिसमें टीवी भी साथ अलाउ किया गया है, और साथ में जो है हमें ये स्टडी के लिए जो है टेबल है, और हम इस आलीशान बंगले में जो है अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहे हैं। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रूम किस तरह का लगा, ये होटल का रूम लग रहा है या हॉस्टल का रूम लग रहा है, ओके। तो रात को हम टीवी वगैरह भी चला लेते हैं कभी कभी, ओके गाइस। अब मैं आपको जो है किचन का विज़िट करवाता हूँ, जो हमारा कंबाइंड किचन है, यहाँ पे क्या माहौल होता है। ये मेरे दोस्त हैं जो किचन में हर वक्त लगे रहते हैं, हर वक्त इनको यही काम है खाने पीने का, ठीक है। तो ये किचन से बाहर का जो है वो व्यू, ओके। तो ये हमारे वही प्यारे बासित भाई जो अपना खाना वगैरह बना रहे हैं। हेलो बासित, हाउ आर यू बड़ी? हेलो, ओके, ही इज बिजी नाउ, इनको जो है अपना काम करने देते हैं, उनको सब ज़्यादा नहीं करते,
तो ये एक किचन है सबका, सेकंड फ्लोर के ऊपर, हर एक फ्लोर के ऊपर एक किचन है यहाँ पे। तो हमारा फायदा ये हो जाता है कि हमारे रूम के सामने ये किचन है। ये हमारी लॉन्ड्री है, यहाँ मशीनें लगी हुई हैं। ये है थर्ड फ्लोर के ऊपर और हमें ऊपर आना पड़ता है। सिक्स फ्लोर की ये बिल्डिंग है सबके लिए, जो एक लॉन्ड्री जो है वो दी गई है। इसका ये सिस्टम होता है कि आप जो है, आपके पास जो कार्ड है, इस मीटर के अंदर उस कार्ड को स्कैन करना होता है तो टाइमर खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तो आपके जो कपड़े हैं वो धुलना शुरू हो जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 मिनट अभी बकाया रहते हैं, तो ये अभी इस मशीन के अंदर जो है वो कपड़े धुल रहे हैं। लेट मी शो यू इफ यू डोंट माइंड। ओके दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ लॉबी टाइप जगह पे ना, तो जैसे ही नीचे आपको मैंने लॉबी का विजिट करवाया था, तो ये सेम उसी के ऊपर टॉप पे ही ये जगह है। ये हर फ्लोर के ऊपर ये जगह आपको दी जाती है वेंटिलेशन के तौर पर, ये जो है ये जगह है यहाँ पे। ओके तो अभी हम चलते हैं सीढ़ियों से नीचे। एक सीढ़ियाँ थी वो पीछे, वो आप देख रहे हैं, वो एंड में जो है वहाँ पे एक सीढ़ियाँ हैं नीचे, ठीक है, जहाँ से मैंने आपको वो लॉन्ड्री का दिखाया। ठीक है, अब दूसरी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं और साथ ही ये लिफ्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली सीढ़ियों से चलते हैं। ओके गाइज, हम जो है अभी आ रहे हैं बाहर, तो मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ, तो अभी यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनके साथ जो है थोड़ा गपशप करते हैं। हेलो आई, हाउ आर यू? निहाओ मा, निहाओ, निहाओ, शिशिर। सो इनके साथ थोड़ी बात की है, अच्छी हैं, मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, आज इनकी ड्यूटी है, तैयारी में अभी चलते हैं बाइक। ओके गाइस, होप्स हो गया आपने जो है ये व्लॉग पसंद किया होगा, और ये कुछ चाइनीज़ हैं, ये जा रहे हैं और हंसते जा रहे हैं ऑनर्स को देख के, और स्पेशली मुझे व्लॉग बनाता हुआ। ओके सो ये बाहर का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, आपकी फुल सपोर्ट चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सपोर्ट अपनी शो करवाएं, और ताकि इससे जो है मेरे जैसे जो छोटे यूट्यूबर हैं उनको भी थोड़ी सी जो है हौसला अफजाई उनकी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।